हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुकजीत और फैमिली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हेयर के लिए ऑयल। तो ये ऑयल अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके बालों में टाल आ चुकी है, आपके बाल बढ़ते नहीं हैं और आपके बाल कम हो चुके हैं, तो इस ऑयल का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यकीन मानिए, ये ऑयल बहुत ही फ़ायदेकारक है, बहुत ही यूज़फुल है। ये वीडियो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अगर मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो इसका कलर जो है डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा बनाने के बाद में, तो इस ऑयल को आप ज़रूर बनाइएगा। कुछ ही मिनटों में रेडी होने वाला ये ऑयल 6-7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसका घर पर इजीली यूज़ कर सकती हो और 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके बालों में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, इस ऑयल को आप घर पर ज़रूर बना के रखिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट में 50 ग्राम या 100 ग्राम ऐसे लेते हो तो बहुत महंगा मिलता है, पर ये आप घर पर बना के रखोगे ये ऑयल, तो बहुत ही कम खर्च में आपको ढेर सारा ऑयल मिलेगा। देखिए, बहुत सारा ऑयल इस तरीके से बन के रेडी होगा। तो चलो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मेथी ले ली है। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपके बालों के अगर सर के स्पॉट्स जो बंद हो जाते तो ये मेथी लगाने से आपके बाल जो है स्पॉट्स खुल जाते और बालों में ग्रो बढ़ती है और नए बाल भी आना शुरू हो जाते। ये देखिए कलौंजी है, ये इसको कलौंजी बोलते हैं। ये कहाँ से भी मिल जाएगी आपको, किराना स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती है, आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा, मिल जाएगी कलौंजी। 100 ग्राम हमने कलौंजी ले ली है देखिए, और 100 ग्राम हमने मेथी ले लिए, जिसको हमें मिक्सर जार में पीस के पाउडर बना लेना है, दरदरा पीस लेना है हमें। 1 लीटर हमने ले लिया है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो आधा कोकोनट, आधा सरसों और 50 ग्राम के करीब आप इसके अंदर कैस्ट्रोल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। कैस्ट्रोल ऑयल हमारे हेयरों के लिए बहुत ही फायदेकारक होते हैं। अगर आपके बालों में कहीं टाल आ चुकी है तो आप कैस्ट्रोल ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिला के मसाज करती हो, तो उससे भी हमारे बालों में बहुत फ़ायदा होता है और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अभी बालों की जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, अभी दूर हो जाएगी। इस ऑयल को आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी इस ऑयल को बनाने के लिए, इसके वजह से मैंने ये बनाया हुआ है ऑयल, आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने भी घर पर बना के रख दिया है और वही ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, सब वही ऑयल का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बालों में ग्रोथ बहुत बढ़ती है, अच्छा होता है हमारे बाल। तो देखिए, 1 लीटर हमने कोकोनट ऑयल को एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है और मेथी ले ली है मिक्सर जार के अंदर। इसका हम दरदरा पाउडर बना लेंगे, एकदम पाउडर ना बना ले, थोड़ा सा दरदरा रखें। और मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है, और मेथी आपको पता नहीं होगा पर हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेकारक होती है मेथी। मेथी का ज़रूर यूज़ करिए आप। इस मेथी से हमारे नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों की अगर ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, काले लंबे आपके बाल हो जाएंगे। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, अभी ऐड करेंगे मेथी। गैस के फ्लेम को हमें स्लो रखना है, हाई गैस के ऊपर ना पकाए। और ये कलौंजी भी हमने पीस ली है, देखिए इसको भी हम ऐड कर लेंगे। दोनों की क्वांटिटी हमने 100-100 ग्राम ली है। 1 लीटर हमारा ऑयल था कोकोनट ऑयल, उसके अंदर हमने 100-100 ग्राम दोनों को ऐड कर लिया इस तरीके से। अभी मीडियम गैस के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, एक उबाल आने देंगे ऑयल के अंदर। तो आप देख सकते हो अच्छे से हमारे ऑयल में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इसको चलाए, नहीं तो आपका ऑयल जो है अगर हाई गैस के ऊपर होगा तो जल जाएगा आपका मेथी और कलौंजी, तो ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चाहे तो इसके अंदर मेहंदी भी ऐड कर सकती हो, आंवला पाउडर भी ऐड कर सकती हो, पर हमने नहीं ऐड किया है। हमारे लिए ये कलौंजी और मेथी ही बहुत फ़ायदेकारक है, हमारे हेयरों को ग्रो करेगा, नए बाल आना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिनों के अंदर ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा इस ऑयल का। तो आप इस ऑयल को घर पर ज़रूर बनाइए, देखिए बहुत ही ईजी है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और भी मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी, किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम ऐड करेंगे करी पत्ता।
करी पत्ता भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। करी पत्ता तो खाना भी चाहिए। करी लिप्स मॉर्निंग में उठने के बाद इसको 8 से 10 पत्ते रोज़ खाते हैं तो आपके बाल कभी वाइट नहीं होते। ये हमारे वाइट बालों को होने से रोकते हैं करी पत्ता, करी लिप्स। तो आप ज़रूर खाइएगा और ऑयल के अंदर भी ऐड कीजिएगा। और अभी तो ऑयल में बहुत अच्छी खासी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। इसको हम उतार लेंगे, अभी ठंडा कर लेंगे। देखिए इसको हम अब अच्छे से ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। से 4-5 घंटे के बाद अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसको हम एक छाननी की सहायता से छान लेंगे ताकि ये कलौंजी और मेथी अंदर ऐड ना हो जाए। देखिए इस तरीके से आराम से स्लो इसको छान लेना है अच्छे से। और एक बोतल लेनी है, इस बोतल के अंदर 5 से 6 महीने तक ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको स्टोर करके रख दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से छान लेना है। और ये बचा हुआ जो है मेथी और कलौंजी ऑयल वाला, वो आप मसाज करने के बाद 2-3 घंटे के बाद बालों को धो भी सकते हो। उसको फेंकना नहीं है, यूज़ कर ले आप, क्योंकि ऑयल है उसके अंदर भी। तो देखिए एकदम डार्क ग्रीन कलर में ये हमारा ऑयल बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया है। तो एक हमने यहाँ पर बोतल ले लिया है। आपके पास कोई भी बोतल हो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो जो कोकोनट का ऑयल का बोतल था उसके अंदर भी ऐड करके रख सकते हो। कोई भी एयर टाइट बोतल हो उसके अंदर आप इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम ऑयल को ऐड कर लेंगे। देखिए एकदम ठंडा होने के बाद बोतल के अंदर ऐड करना है, नहीं तो आपका बोतल प्लास्टिक का होगा तो वो टूट सकता है, फट सकता है। कांच में भी गरम गरम ऐड नहीं करना चाहिए ऑयल। एकदम ठंडा होने के बाद स्टोर करके रख दीजिए आप। और जब भी 2 से 3 दिन के अंदर एक बार इस ऑयल से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म करें वापस इस ऑयल को, और 15 मिनट के लिए मसाज करें। और देखिए ये बचा हुआ है, इसको भी अलग बोतल में रख देंगे। और जब भी ऑयल के सर में धोने का हो उससे आधा घंटा या 1 घंटा 2 घंटा पहले आप कभी भी लगा के रख सकते हो, और बाद में आप बाल धो लीजिए। और ये ऑयल आप लगाने के बाद भले 2-3 दिन नहीं धोएंगे तो भी चलेगा, आपके बालों में जितना रहेगा ये ऑयल इतना फ़ायदा करेगा, कोई भी नुकसानकारक नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बालों के अंदर इस ऑयल को मसाज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।